वो हमारी जगह रहती थी अगर मतलब हम तो। किसी और को फायर करके दूसरा मार देगा अरे हमें हमसे। हैं पढ़ती है यहाँ पे हैक्स। व्हाट अबे मुझे तो पता भाई यहाँ का हैक चेक करो। अरे भाई पता नहीं भाई कोई हैकर है नहीं ऐसे। मैं अभी किसी पे इल्ज़ाम तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि भाई फिर हम ऐसे बोल देते तो तुम कि हारने के बाद हैकर बोल रहे हो। ब्रोली कंटेनर के पीछे ओटो हेडशॉट बताओ। मैडेक्स मैडेक्स का बोल रहे हो किसका बोल रहे हो? मैडेक्स का ही बोल रहे हो। चलो भाई ये रहा। तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले नॉनस्टॉप गेमिंग के चैनल पर चल रहे सीएस लिमिटेड टूर्नामेंट से रिलेटेड। तो आपको बताओ कि कल इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल था जिसके अंदर NXT1 का NG1 से मैच था जिसके अंदर बेस्ट ऑफ 5 हुआ था और जिसके अंदर 3 मैच लगातार NG1 जीत गई थी। और उसके बाद सेकेंड मैच था NXT2 और GWK का जिसके अंदर GWK भी 3-0 से जीत गई थी। तो उसके बाद उसी मैच में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ब्रोली कंटेनर के पीछे खड़ा होता है और GWK की स्क्वाड का एक बंदा GW मैडक्स खूब तेजी से स्पीड से आके ब्रोली को कंटेनर के पीछे हेडशॉट मार देता है। तो इस हेडशॉट के बाद क्लासिक और नॉनस्टॉप का क्या रिएक्शन होता है ये दिखाएंगे आपको। और बहुत से बंदे क्लासिक और नॉनस्टॉप के चैट में स्पैम कर लेते हैं कि GW मैडक्स हैकर है और इसका PC चेक करो और ये एमबॉड यूज़ कर रहा है। तो ये भी आपको क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद ये भी आपको क्लियर करेंगे इस क्लिप के बाद कि क्या कंटेनर के पीछे इस कंटेनर के पीछे हेडशॉट पड़ सकता है नहीं पड़ सकता है और उनकी स्क्वाड का क्या रिएक्शन होता है। चलिए पहले सब क्लिप देखते हैं उसके बाद आके आपसे बात करते हैं। भाई वो हमारी जगह रहती थी अगर हम किसी और को फायर करके दूसरा मार देगा। अरे हैं पढ़ती है यहाँ पे व्हाट अबे मुझे तो पता भाई यहाँ का ये क्या हुआ भाई क्या हुआ। अरे वो कैसे मारा यार ब्रोली वहाँ पे। अच्छा वो गेट के बीच में छोटा सा गैप होता है उससे मारा होगा। है पड़ती है वहाँ पे गेट में कहाँ पड़े यार पर। अरे वो गेट नहीं जो भी ऐसा खड़ा होगा ना कंटेनर के तो मर सकता है। वो क्या आरपार डेप में जाता मतलब वो कंटेनर के आरपार। कंटेनर के आरपार ही लगाया वो और वो जरा सा गैप था ना शायद वहाँ से मार दिया उसने। आ जाता होगा ये मार जाता होगा वहाँ पे शायद। ए मत तो करो क्या बोल रहा है क्लास छोड़ो। एक बंदा कह रहा है कि जहाँ पर ब्रोली था वहाँ नहीं पड़ती। वो ब्लिट्स को मार रहा था ऑटो एम आ गया ब्रोली पर। मेडेक्स का हैक गारंटीड ब्रो। 220 सुपर चैट देकर तेरे पे चढ़ेंगे देखना। हैक चेक करो। अरे भाई पता नहीं भाई कोई हैकर है नहीं ऐसे। मैं अभी किसी पे इल्जाम तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि भाई फिर हम ऐसे बोल देते तो तुम कि हारने के बाद हैकर बोल रहे हो। तो भाई जैसा चल रहा है चलने दो। मैं तो कुछ चेक करने वाला हूँ नहीं ठीक है। ऐसा कुछ एक बार बैक करके देख लेते हैं फिर भी क्या था क्या सीन था ठीक है। मैं बैक करके देख बहुत पता नहीं कौन सा राउंड था यार वो। वन यहाँ पे चिया कहने की कमाल 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 भाई टीमें अच्छा खेली है तो मेरे हिसाब से अपोनेंट टीम भी कुछ नहीं बोल रही है तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ उस बंदे ने इस तरीके से मारा है। अगर वहाँ पे खेला है देखो मैडेक्स की मैं तुम्हें इधर ही स्ट्रीम देख लेता हूँ। ये लो मैडेक्स की मैं तुम्हें स्ट्रीम देख रहा हूँ मेरे को बताओ। मैडेक्स मैडेक्स का बोल रहे हो किसका बोल रहे हो? मैडेक्स का ही बोल रहे हो। चलो भाई ये रहा अपना मैडेक्स। ओके चलिए मैडेक्स को देखते हैं भाई क्या मैडेक्स हैकर है। ओके डबल M1 W7 के साथ हैं आगे बढ़ रहे हैं मैडेक्स यहाँ पे। पीछे एक बॉल लगाई है। अच्छा पीछे प्लेयर दिखे जरूर है बट प्लेयर कहने के बिल्कुल सामने से नहीं आए। वो प्लेयर नीचे की तरफ भी घूम रहे हैं वापस से कहने के ऊपर आए हैं। मैडेक्स भाई दिखा दो पैनल भाई दिखा दो पैनल। ओके चलिए 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 मैडेक्स क्या नीचे जाएंगे नीचे से जाने का यहाँ पे। ओहो विशाल है बट विशाल भी वेट कर रहे हैं। विशाल वेट कर रहे हैं ये पैनल है भाई। क्या बोल रहे हो भाई ये है पैनल। खड़े हुए बंदे को तीन बार में नहीं मारा भाई। देखो नॉर्मल गेम है कभी लगते कभी नहीं लगते कभी बंदा अच्छा खेल लेता। आप लोगों के साथ भी होता होगा कभी तो बहुत अच्छा खेल रहे हो कभी नहीं खेल रहे हो और खतरे का डबल किल। स्कोर यहाँ पे 0-2 शुरुआत। GW करंट फिर से यहाँ पे एक कमाल करते हुए। जी हाँ 0-2 खतरी 3 फिनिश। दिलबर 2 मैडेक्स यहाँ पे 2 आयुष की बात की जाए तो यहाँ पे 1 फिनिश। अब ब्रोली कंटेनर के पीछे ओटो हेडशॉट चलो देखेंगे यार इस राउंड के बाद। देखो अपोनेंट टीम
मेरी तरफ से देखो इतने, मेरी तरफ से देखो इतने सारे प्लेयर्स ये कितने टाइम से खेल रहे हैं, आपको पता है पिछले अनलिमिटेड टूर्नामेंट से खेल रहे हैं, फिर बीच में फुल मैप भी हुए हैं, दो दो या एक उसमें भी खेले हैं, तो फेयर ही प्लेयर हैं। बट अगर क्लिप मिल जाए तो फिर उसको देख के हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। तो बाकी आपने नॉनस्टॉप गेमिंग का क्लासिक रिएक्शन तो देख ही लिया होगा, और उसके बाद नॉनस्टॉप गेमिंग जेडब्ल्यू मैडक्स का स्क्रीन शेयर भी दिखाते हैं, जिसके अंदर पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि वो बंदा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा है। और जस्ट आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि उस कंटेनर के बीच हेडशॉट पड़ सकता है, क्योंकि जो दो कंटेनर के बीच में एक छोटा सा गैप था, उससे वो आके तेज़ी से स्पीड से आके हेडशॉट मारा था। तो जस्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लासिक के स्क्वाड का एक बंदा मिस्टर एडलर ही उन्हें फ्लेयर बताता है कि वहाँ पे कंटेनर के पीछे हेडशॉट पड़ सकता है। तो आप लोग भी किसी बंदे को हेट मत दीजिए, और किसी बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के बाद जैसे कोई एक हेडशॉट मार दे तो उसको तुरंत हैकर मत कहने लगेगा। और बाकी आपका क्या रिएक्शन है और आपका क्या ओपिनियन है इस हेडशॉट के पीछे, और आपको क्या लगता है आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बाकी जस्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं NXT1 और NXT2 दोनों इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। तो बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं कि क्या वजह थी कल NXT दोनों मतलब एक भी बेस्ट ऑफ 3-5 का एक भी मैच नहीं जीत पाई, ये सब अपना ओपिनियन आप कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी आप लोग ये भी बता सकते हैं कि NXT कमबैक करेगी नेक्स्ट टूर्नामेंट में, नहीं करेगी, अपना ओपिनियन आप कमेंट में भी दे सकते हैं। और बाकी जस्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप इस फाइनल टीम में सिर्फ दो ही टीम गई है, जिसके अंदर NG1 और GWK की स्क्वाड है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि इन दोनों स्क्वाड में से कौन सी स्क्वाड जीतेगी इस टूर्नामेंट के फाइनल को, ये सब अपने ओपिनियन भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और जिस भी टीम को आप सपोर्ट करते हैं वो #NXT #GWK और #NG कमेंट सेक्शन में लगाना मत भूलिएगा। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप किसी बंदे को हेट मत दीजिएगा। और तो और ऐसे फ्री फायर से रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड न्यूज़ और कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं ऐसे फ्री फायर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी बाय बाय।